और सीएम से जुड़े खनन लीज आवंटन मामले में आप देखिए सुनवाई शुरू हो गई है हाईकोर्ट में। कपिल सिब्बल वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट में पक्ष रख रहे हैं सरकार का। झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है खनन लीज मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले की सुनवाई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन जस्टिस एस एन प्रसाद की अदालत में सुनवाई शुरू हो गई है। खनन लीज शेल कंपनी और मनरेगा घोटाले से जुड़ा यह मामला है। बताएं आपको कि हाईकोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और उस मामले में राज्य सरकार सीएम हेमंत सोरेन और प्रार्थी की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर दिया गया है। हाईकोर्ट में शेल कंपनी और माइनिंग लीज मामले में दायर पीआईएल की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई की जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि झारखंड हाईकोर्ट को पहले याचिका वैधता पर सुनवाई करनी चाहिए, अगर याचिका सुनवाई योग्य है तो फिर कोर्ट आगे की सुनवाई कर सकता है और अब इस मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है। आयुष हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहयोगी फोन लाइन पर। आयुष देखिए ये मामला जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं खनन लीज मनरेगा घोटाले से जुड़ा ये मामला और इस पर सुनवाई शुरू हो गई है। जी आरती बिल्कुल, देखिए आज का दिन काफी अहम है क्योंकि इस पूरे प्रकरण या कहें इस पूरे याचिका की दशा और दिशा तय करने वाला जो तिथि है ये और सुनवाई शुरू हो चुकी है। होने वाले जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एस एन प्रसाद की अदालत जो है इस पर सुनवाई कर रही है। हालांकि याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार ने एक सप्लीमेंट्री फाइल की है जिसमें प्रेम प्रकाश और अन्य अधिकारियों की संलिप्तता और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला से जुड़ा हुआ, लेकिन अदालत ने इसे कहा कि पहले मेंटेनेबिलिटी पे सुनवाई करेंगे और कपिल सिब्बल जो है इस पे पक्ष रख रहे हैं। आरती बिल्कुल, अब देखना होगा। और जैसे कि देखिए पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पहले याचिका वैधता पर इसकी वैधता की जांच होनी चाहिए, उस पर सुनवाई होनी चाहिए, उसके बाद कोर्ट आगे की बात करेगा, तो मेंटेनेबिलिटी पर ये सुनवाई है। जी देखिए आती बिल्कुल, क्योंकि आपको बता दें कि कई याचिकाएं जो हैं वो जो है याचिकाकर्ता आपके शिव शंकर शर्मा के द्वारा की गई है और बीते दिनों में जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा या कहें राज्य सरकार के द्वारा भी ये सवाल उठाया गया है कि जो है शिव शंकर शर्मा है वो उन्होंने कई याचिकाएं की हैं और टारगेट कर रहे हैं। चलिए शुक्रिया आयुष तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।